भी इंजन खोल रखा है। तो भाई साहब, आपको कैसा लगा हमारी दुकान का काम? बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। और मैं बरेली से आया हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी भाई साहब। और चेक कर लिया है। अब हम लोग जो है इसको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे, उसके बाद जो आपको गाड़ी स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बजाज मैक्सिमा अंसारी ऑटो सर्विस में। तो दोस्तों, हर बार की तरह जो है हाजिर हैं आप सभी भाइयों के साथ, इस बार भी एक और नई वीडियो के साथ। और हम जो है आपको दिखाने वाले हैं आज बजाज मैक्सिमा BS3 गाड़ी का 5 गियर का इंजन जो है किस तरीके से फिट करते हैं, और एक एक चीज़ को जो है आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे किस तरीके से जो है किस पुर्जे को सेट किया जाता है। तो अभी हम जो है आपको जो है इन भैया से मिलवाने वाले हैं जिनका जो है ये इंजन है, उनसे पता करेंगे आपको जो हमारे इधर की सर्विस कैसी लगी और काम जो है आपको कैसा लगा है हमारी दुकान का। तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं आपको इन भैया से। ये रहे बजाज ऑटो वाले भैया जिनका जो हमने अभी इंजन खोल रखा है। तो भाई साहब, आपको कैसा लगा हमारी दुकान का काम? बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। और मैं बरेली से आया हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी भाई साहब। और बाशे माशाल्लाह आप सफाई अच्छी करते हैं गाड़ी इंजन की, अच्छी धुलाई करते हैं आप और बढ़िया काम करते हैं आप। मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, ऑटो अंसारी सर्विस। बाकी मैंने और कहीं मतलब काम कराया, पिंडी में काम कराया, वहाँ अच्छा नहीं लगा। और आपका माशाल्लाह मैंने वीडियो देखी, बढ़िया काम करते हैं, सफाई से काम करते हैं, बहुत नाम सुना मैंने आपका। तो मेरी बड़ी से यहाँ आया आपके पास। तो आज हमने जो आपको बजाज ऑटो वाले भैया से भी मिलवा दिया है। तो अब हम जो है इसके जो है इंजन को फिट करते हैं हम लोग, और आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है इंजन फिट करते हैं हम लोग, एक एक पुर्जे को सेट करके डिटेल में समझाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो है इंजन को इसके फिट करते हैं। इंजन को फिट करने से पहले जो है इसके कैम बैरिंग को ठोक लेंगे ब्लॉक के अंदर। ये रहे दोस्तों हमारे बजाज कंपनी के कैम बैरिंग। पार्ट नंबर है इसका 39-14-36-20। इसको जो है पोलोथीन में से बाहर निकाल के कैम बैरिंग को ठोक लेंगे ब्लॉक के अंदर इस तरीके से। चलिए दोस्तों, कैम बैरिंग जो है हमारा कंप्लीट ही ठुक चुका है ब्लॉक के अंदर। अब हम जो है इसके गवर्नरों को सेट करेंगे बढ़िया तरीके से। ये रहा दोस्तों हमारा स्पीड लीवर गाड़ी का। इसको जो अभी हम जो है पोलोथीन में से बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद ब्लॉक के अंदर फिट करेंगे। इसका पार्ट नंबर है BA 122-047। स्पीड लीवर के अंदर जो है स्पीड लीवर वाली पार्सल को ध्यान से लगा लेंगे इस तरीके से, उसके बाद जो है ब्लॉक के अंदर फिट करेंगे इस तरीके से। इसके स्पीड लीवर को लगा लेंगे। स्पीड लीवर लगाने के बाद जो है हम इसके बड़े वाले गवर्नर को फिट करेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा बड़ा वाला गवर्नर। इसका नंबर है BB 12-10-80। ये रहा हमारा बड़ा वाला गवर्नर। अब इसके अंदर जो है हम इसके स्टॉप वाले लीवर को लगाएंगे पार्सल लगाने के बाद। ये रहा हमारा स्टॉप वाला लीवर। इस तरीके से जो है गवर्नर के अंदर इसको लगा के अंदर फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर। उससे पहले जो है हम इसके स्प्रिंग को लगा लेंगे ये गवर्नर वाले को अंदर ब्लॉक में, उसके बाद ही जो है हम इसके गवर्नर को फिट करेंगे बड़े वाले को। इस तरीके से जो है इसके स्प्रिंग को लगा लेंगे ब्लॉक के अंदर। ये स्प्रिंग जो है हमारा लग चुका है ब्लॉक के अंदर नया वाला। अब इसके गवर्नर को लगाएंगे हम लोग। गवर्नर के अंदर भी इस तरीके से स्प्रिंग को फंसा लेंगे पहले, उसके बाद जो है इसके लीवर को लगाएंगे इस तरीके से। ये दोस्तों लीवर भी जो हमारा लग चुका है कंप्लीट ही। अब हम जो है इसकी बाहर वाली सीलों को लगा लेंगे गवर्नर की। ये रही दोस्तों हमारी स्टॉप वाले लीवर की सील। तो दोस्तों स्टॉप वाली लीवर की सील जो है हमारी बैठ चुकी है कंप्लीट ही। उसके पीछे जो है एक बार्सल को लगा लेंगे पतली वाली को, उसके बाद इसके स्टॉप वाले लीवर को लगाएंगे। स्टॉप लीवर लगाने के बाद जो है इसकी पिन को लगा लेंगे चीरा पिन को। इस तरीके से इसकी पिन को लगाने के बाद जो है
पूरा कंप्लीट ही बिठा देंगे इसकी पिन को। ये पिन जो है हमारी बैठ चुकी है दोस्तों स्टॉप वाले लीवर के अंदर। अब हम जो है इसके स्पीड लीवर वाले रिंग को लगाएंगे और उसको जो है फिट करेंगे। इस तरीके से जो है इसके स्पीड लीवर वाले रिंग को छोटे वाले को लगा लेंगे और पेचकस की मदद से जो है सभी जगह से बिठा लेंगे कम्प्लीट इसको बढ़िया इस तरीके से। तो दोस्तों रिंग जो है हमारा सभी जगह से जो है कम्प्लीट ही बैठ चुका है बढ़िया तरीके से। अब स्पीड लीवर वाली टिकली को लगा लेंगे ये प्लास्टिक वाली को। उसके बाद जो है इसकी छोटी वाली कार्टर को लगाएंगे इसको। कार्टर को लगाने बाद जो है इसके रेस वाले स्प्रिंग को लगा लेंगे। रेस वाले स्प्रिंग को नया लगा लेंगे। उसके बाद ये रहा दोस्तों हमारा रेस वाला स्प्रिंग नया। उसके बाद जो है इसके रेस वाले लीवर को लगाएंगे इस तरीके से। इसके रेस वाले लीवर को भी लगा लेंगे। ये दोस्तों रेस वाला लीवर भी जो हमारा कंप्लीट ही बैठ चुका है। अब इसके 10 नंबर के नट को लगा लेंगे पीछे से। ये नट भी जो हमने लगा लिया है अब इसको 10 नंबर की गोटी से जो है बढ़िया करके टाइट करके दोनों नटों को लॉक कर देंगे इसके। लीवर को दोस्तों जब भी टाइट करेंगे रेस वाले लीवर को तो लीवर को जो है फ्री रखेंगे। लीवर जो है हमारा जाम नहीं होना चाहिए रेस वाला वरना एक्सीलेटर जो है हमारा दिक्कत करेगा। इसलिए एक्सीलेटर वाले लीवर को जो है बिल्कुल फ्री रखना है हम लोगों को। ये दोस्तों लीवर जो है हमारा सेट हो चुका है कंप्लीट ही एक्सीलेटर वाला। अब इसके स्प्रिंग को लगा लेंगे एक्सीलेटर वाले को। इसको भी नया फिट करेंगे हम लोग स्प्रिंग को इस तरीके से। इसके स्प्रिंग को लगा के लीवर को चला के चेक कर लेंगे तो गवर्नर जो है हमारे कंप्लीट ही सेट हो चुके हैं गाड़ी के बढ़िया तरीके से। गवर्नर जो है हमारे कंप्लीट ही बढ़िया तरीके से हमने सेट कर दिए हैं इसके। अब हम जो है इसकी साइड प्लेट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ये रही दोस्तों हमारी इंजन की साइड वाली प्लेट जिसको जो है हम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये दोस्तों प्लास्टिक वाली गरारी का लॉक जो हमने निकालने के बाद इसकी गरारी को बाहर निकाल के फेंकेंगे पुरानी वाली को और इसके अंदर नए ऑयल पंप को फिट करेंगे और नई प्लास्टिक गरारी को फिट करेंगे हम लोग। ये रही दोस्तों हमारी पुरानी वाली गरारी जिसको जो हमने निकाल के फेंक दिया है। उसके बाद जो हम इसके ऑयल पंप को खोलेंगे और ऑयल पंप को चेंज करेंगे। और ये रही दोस्तों हमारी प्लास्टिक गरारी की पुरानी वाली पिन, इसको भी हम लोग फेंक देंगे। नई पिन को फिट करेंगे हम लोग इसके अंदर जो कि पिन जो है हमारी कट चुकी है और पिन जो है इसको लगाएंगे तो कभी भी टूट सकती है और गाड़ी हमारी ओवर रेस हो जाएगी टूटने के बाद। तो अब हम जो है इसके ऑयल पंप वाले एलेंकी वाले तीनों बोल्ट खोल लेंगे जिसमें जो है 5 नंबर की एलेंकी लगती है। तो दोस्तों एलेंकी वाले जो है हमारे ऑयल पंप वाले तीनों ही बोल्ट जो है ढीले हो चुके हैं। अब इनको जो है कंप्लीट खोल लेंगे और बाहर रखेंगे इनको खोलने के बाद। उसके बाद जो है इसकी
अच्छी तरीके से सफाई करेंगे काले वाले मोबाइल एल की इसके अंदर से। उसके बाद नए ऑयल पंप को फिट करेंगे हम लोग इस थर्ड पलेट के अंदर। ये दोस्तों तीनों ही बोल्ट खोलने बाद हमने ऑयल पंप वाली प्लेट को भी बाहर निकाल लिया है। अब इसके ऑयल पंप को बाहर निकालेंगे इसको पुराने वाले को और इसको फेंक देंगे बाहर निकालने के बाद। उसके बाद सफाई करेंगे इसकी बढ़िया तरीके से और नए ऑयल पंप को फिट करेंगे। ये दोस्तों ऑयल पंप जो हमने फेंक दिया है पुराना वाला, अब इसकी सफाई कर लेंगे काले मोबाइल की सबको बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों हमने जो है ऑयल पंप वाली जगह को जो है बढ़िया तरीके से साफ़ करके क्लीन कर लिया है और ये प्लेट का फेस भी हमने बढ़िया तरीके से साफ कर लिया है। सबको जो है हमने बढ़िया तरीके से साफ कर लिया है। हम लोग जो है अब इसको ऑयल पंप को फिट करेंगे इसके अंदर नए वाले को। तो ये रहा दोस्तों हमारा बजाज मैक्सिमा 5 गियर गाड़ी का ऑयल पंप जिसका पार्ट नंबर है BA 122205 और इसकी MRP है 121। तो अब हम जो है इसको फिट करते हैं प्लेट के अंदर। इसको जो है हमने पोलोथीन में से बाहर निकाल लिया है ऑयल पंप को। ऑयल पंप को फिट करने से पहले जो है बढ़िया करके मोबलर लगा लेंगे इस पे इस तरीके से। उसके बाद ही जो है ऑयल पंप को फिट करेंगे प्लेट के अंदर। ये दोस्तों ऑयल पंप भी जो है हमारा लग चुका है प्लेट के अंदर कंप्लीट ही। अब हम जो है इसमें हल्की हल्की सी एना मोड लगाने के बाद जो है इसकी ऑयल पंप वाली प्लेट को लगाएंगे। प्लेट को लगाने से पहले जो है हल्की हल्की एना मोड जो है ध्यान से लगा लेंगे ताकि मोबाइल जो है हमारा लीकेज ना हो ऑयल पंप की जगह से। इसलिए ध्यान से जो है एना मोड को ज़रूर लगाना है, हल्की हल्की ज़्यादा नहीं लगानी है। उसके बाद लगाने के बाद इसको फिट कर देंगे। इस तरीके से इसकी ऑयल पंप वाली प्लेट को फिट कर देंगे प्लेट के अंदर और उसके बाद इसके तीनों LNK वाले बोर्ड लगा देंगे और टाइट कर देंगे कंप्लीट ही लगाने के बाद। ये तीनों बोल्ट जो है हमारे प्लेट के अंदर लग चुके हैं, अब इनको जो है टाइट कर देंगे कंप्लीट ही। तो दोस्तों ऑयल पंप वाले तीनों बोल्ट जो है हमारे कंप्लीट ही टाइट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। तीनों ही बोल्टों को हमने बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया है इसके। अब हम जो है इसकी प्लास्टिक वाली गरारी को फिट करेंगे इसके अंदर। ऑयल पंप जब भी फिट करेंगे तो इसको चेक कर लेंगे, ऑयल पंप जो है हमारा फ्री रहना चाहिए। अगर ऑयल पंप जाम रहता है हमारा गाड़ी का तो ऑयल पंप जो है सीज हो जाएगा हमारा। इस तरीके से घुमा के चेक कर लेंगे ध्यान से ऑयल पंप को। तो अब हम जो है इसकी पिन को नई वाली को लगा के इसकी प्लास्टिक वाली गरारी को फिट करेंगे इसके अंदर। ये रही दोस्तों हमारी प्लास्टिक वाली गरारी की चीरा पिन नई वाली, जिसको जो हम ऑयल पंप के अंदर इस तरीके से फिट कर लेंगे। ये दोस्तों चीरा पिन जो है हमारी कंप्लीटली ठुक चुकी है ऑयल पंप के अंदर। अब इसकी नई वाली गरारी को फिट कर लेंगे। ये रही दोस्तों हमारी नई वाली प्लास्टिक गरारी जिसका पार्ट नंबर है BA 122029 जिसकी MRP है 126। पार्ट नंबर बताया कर BA। तो इसकी गरारी को जो है हम जो है ऑयल पंप के अंदर फिट कर लेंगे। ये दोस्तों
दोस्तों, गरारी भी जो हमारी ऑयल पंप के अंदर फिट हो चुकी है। अब इसके लॉक को लगा लेंगे ऊपर वाले को। ये रहा दोस्तों हमारा गरारी का लॉक छोटा वाला, जिसको जो हम पेचकस की मदद से लगा लेंगे। ये दोस्तों लॉक भी जो हमारा कंप्लीट लग चुका है गरारी का। अब हम जो है इसके कैम बैरिंग को फिट करेंगे प्लेट के अंदर। ये रहा दोस्तों हमारा कैम बैरिंग। इस तरीके से जो है कैम बैरिंग को भी फिट कर लेंगे प्लेट के अंदर। ये दोस्तों कैम बैरिंग भी जो है हमारा कंप्लीट ही ठुक चुका है प्लेट के अंदर। अब हम जो है इसके बेड को कंप्लीट करेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा बेड, जिसके जो है हम पुराने वाले बैरिंग को निकाल लेंगे इस तरीके से। उसके बाद नए के बेड बैरिंग को फिट करेंगे इसके अंदर। ये दोस्तों दोनों बैरिंग जो है हमारे निकल चुके हैं बेड वाले कंप्लीट ही। अब इसके अंदर जो है नए वाले वेट बैरिंग को फिट कर लेंगे साफ करने के बाद बढ़िया तरीके से। ये रहे दोस्तों हमारे दोनों वेट बैरिंग, जिसका पार्ट नंबर है 39-14-35-20। इस तरीके से वेट बैरिंगों को दोनों को वेट के अंदर फिट कर लेंगे। और वेट बैरिंग को जो है सीधा ही ठोकना है हम लोगों को। ये दोस्तों एक बेड बैरिंग जो हमारा कम्प्लीट ही ठोक चुका है। अब इसी तरीके से दूसरे वाले बेड बैरिंग को भी ठोक लेंगे सीधा। दोस्तों दूसरा वाला वेट बैरिंग भी जो है हमारा कम्प्लीट ही ठुक चुका है बेड के अंदर। और बेड जो है हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब इसकी बेड पिन को नई वाली को फिट करेंगे। ये रही हमारी नई वाली बेड पिन, जिसका पार्ट नंबर है BA-10-2007। बेड पिन जो है हम लोग प्लेट के अंदर पहले इसलिए नहीं ठोकते हैं, जो कि बैरिंगों को ठोकने बाद हम लोग जो है बेड पिन को चेक करते हैं। बेड पिन जो हमारी बेड के अंदर फ्री है या नहीं है, तो हमारी ये वाली बेड पिन जो है फ्री है। कोई कोई बेड पिन जो है गलत आ जाती है, तो वो टाइट रहती है और पहले ठोक देंगे तो उसको फिर निकलवाना पड़ेगा प्लेट के अंदर से। इसलिए जो हम चेक करने बाद ही ठोकते हैं प्लेट के अंदर बेड पिन को। तो बेड पिन जो है अब हमारी कंप्लीट ठोक चुकी है प्लेट के अंदर। अब इसके बेड को लगा लेंगे। इस तरीके से जो है इसके बेड को लगा लेंगे प्लेट के अंदर। ये बेड जो हमारा लग चुका है प्लेट के अंदर कम्प्लीट ही। अब इसकी बेड प्लेट को लगा लेंगे ऊपर से। और बेड प्लेट लगाने बाद जो है इसके बेड के तीनों 10 नंबर वाले बोर्ड जो है नए फिट करेंगे इसके अंदर। पुराने वाले अगर हम लोग लगाते हैं इसके अंदर बोल्टों को, तो या तो खींचते हुए का टूट जाता है इसका बोल्ट, वरना जो है कभी जो है चलते चलते गाड़ी में टूट जाते हैं इसके। इसलिए जो हम नए बोल्टों को ही फिट करते हैं हर बार जब भी इंजन करते हैं गाड़ी का, तो तीनों ही बोल्टों को नया लगाते हैं गाड़ी के अंदर। ये रही दोस्तों बेड प्लेट इसकी, जिसको जो है हमने लगा दिया है बेड के अंदर। अब इसके तीनों बेड बोल्टों को लगा लेंगे 10 नंबर वालों को। ये तीनों ही बोल्ट जो है हमारे लग चुके हैं। अब इनको जो है 10 नंबर की गोटी से बढ़िया तरीके से टाइट कर लेंगे तीनों ही बोल्टों को। तो दोस्तों तीनों ही बोल्ट जो है हमारे कम्प्लीटली टाइट हो चुके हैं बेड के। तीनों ही बोल्टों को आपको चेक करके दिखा रहे हैं। ये तीनों ही बोल्ट कम्प्लीट टाइट हो गए हैं हमारे बेड प्लेट के। ये बेड भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है बोल्ट खींचने के बाद। अब इसकी प्लेट की थर्ड पार्सल को लगा लेंगे। और बेड जब भी खींचेंगे
बेड प्लेट को, तो बेड को भी चेक कर लेंगे। खींचने बाद जो है हमारा बेड बिल्कुल फ्री रहना चाहिए इस तरीके से, तो हमारा बेड जो है फ्री है। इसी तरीके से जो आप लोग भी जब भी खींचेंगे तो बेड को चेक कर लेंगे कि बेड हमारा फ्री है या नहीं है। तो अब हम जो है इसकी थर्ड पार्सल को लगा लेंगे प्लेट के अंदर, उसके बाद जो आपको वॉल पंप को चेक करके दिखाएंगे। इस तरीके से जो है हल्का हल्का ग्रीस थर्ड पार्सल पे लगा लेंगे, उसके बाद जो है प्लेट के अंदर लगाएंगे इसको थर्ड पार्सल को। तो हमने ग्रीस जो है लगा लिया है थर्ड पार्सल पे और प्लेट के अंदर भी लगा दी है। इसी तरीके से आप लोग भी हल्का हल्का ग्रीस लगा के थर्ड पार्सल को लगा लेंगे प्लेट के अंदर। तो प्लेट जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको जो है हम ऑयल पंप को चेक करके दिखाएंगे आप लोगों को कि ऑयल पंप काम कर रहा है हमारा या नहीं कर रहा है, उसको जो है हम बाहरी चेक कर लेंगे। ये दोस्तों मोबाइल जो हमने भर लिया है जाली वाले बोल्ट की जगह पर और ऑयल पंप को जो है हम चेक कर रहे हैं। ऑयल पंप जो है हमारा पूरा काम कर रहा है, ये देख सकते हैं मोबाइल जो हमारा उठा गया है ऑयल पंप। ये मोबाइल जो हमारा उठाने के बाद नीचे गिर रहा है, तो ऑयल पंप भी जो हमारा कम्प्लीट ही पूरा काम कर रहा है प्लेट के अंदर। ऑयल पंप को भी आपको चेक करके दिखा दिया हमने किस तरीके से ऑयल पंप को भी चेक करना है लगा के प्लेट में। तो प्लेट को जो है हम साइड में रख देंगे और ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे इसके ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक को कंप्लीट करने से पहले जो है इसकी थर्ड पार्सल को लगा लेंगे ग्रीस लगाने के बाद ब्लॉक के अंदर। इस तरीके से जो इसकी थर्ड वाली पार्सल को लगा लेंगे। तो ये थर्ड पार्सल भी जो है हमारी लग चुकी है ब्लॉक के अंदर। अब हम जो है इसको क्रेंक को फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर। क्रेंक जो है हम इंजन के अंदर जो है नई फिट कर रहे हैं। क्रेंक को फिट करने से पहले जो है इसकी क्रेंक वाली नाली को चेक कर लेंगे फूक मारने बाद इस तरीके से हमारी नाली जो है खुला हुई है या नहीं है। तो अभी हम जो है पैप लगा के फूक मार रहे हैं, नाली जो है हमारी खुला हुई है, हवा आ रही है उसकी जगह पे। तो अब इसके पैप को निकाल के रख देते हैं हम लोग साइड में और इसकी क्रेंक को फिट करते हैं ब्लॉक के अंदर। ये रही दोस्तों क्रेंक हमारी गाड़ी की, जिसको जो है हम नया फिट कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। ये देख सकते हैं नई क्रेंक है, इस इधर से देख सकते हैं क्रेंक जो हम नई फिट कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। क्रेंक जो है पुरानी वाली बेकार हो गई थी इसकी। तो क्रेंक को फिट करने से पहले जो है नए वाले मोबाइल को लगा लेंगे क्रेंक की जगह पे और उसमें भी मोबाइल को लगा लेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद इस तरीके से क्रेंक को फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर। ये क्रेंक भी जो है हमारी कंप्लीट फिट हो चुकी है ब्लॉक के अंदर। अब हम जो है इसके पिस्टन को फंसाएंगे रिंग फंसाने के बाद ब्लॉक के अंदर। और ब्लॉक में जो है हमने तीनों एडाप्टरों को लगवा लिया है, इसके जो है स्टड जो है लगे हुए थे तीनों ब्लॉक के अंदर, तो उनको जो है हमने निकालने के बाद तीनों ही एडाप्टरों को लगवाया है ब्लॉक के अंदर। तो पिस्टन को लगाने से पहले ब्लॉक के अंदर जो है इसके रिंग को लगा के गैप चेक कर लेंगे इसका। इस तरीके से जो है रिंग को लगाने के बाद जो है इसका रिंग का गैप ध्यान से चेक कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है ख़राब मशीन वाला जो है गैप ज़्यादा छोड़ देता है रिंग के अंदर, तो गाड़ी जो हमारी जल्दी मोबाइल उठा जाती है। तो इसीलिए जब भी इंजन को फिट करेंगे तो रिंग के गैप को भी ध्यान से चेक कर लेंगे। तो रिंग का गैप जो हमारा सही है, तो इसके रिंगों को जो है हम पिस्टन के अंदर लगाएंगे और पिस्टन को जो है ब्लॉक के अंदर फिट करेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा नया वाला पिस्टन, जिसके अंदर जो है अभी हम जो है रिंग लगा लेंगे। अब जो है पिस्टन के अंदर जो है इसके रिंगों को लगा लेंगे तीनों को। इस तरीके से जो है इसके तीनों रिंगों को आराम से फिट करेंगे पिस्टन के अंदर। तो ये एक रिंग जो है हमारा लग चुका है पिस्टन के अंदर, ऑयल वाला रिंग जो है हमारा लग गया है पिस्टन के अंदर। ये रहा दोस्तों हमारा कंप्रेसर रिंग दूसरा वाला, इसको भी जो है आराम से ही लगाएंगे। ये रिंग जो है हमारा बहुत इशारे में टूट जाता है, हार्ड होता है ये वाला रिंग, इसको जो है बहुत ध्यान से लगाएंगे। और ये रहा दोस्तों हमारा टॉप रिंग तीसरा वाला। तो तीनों ही रिंग जो है हमारे पिस्टन के अंदर लग चुके हैं कम्प्लीट ही। अब इसको जो है डीजल से साफ वाले से धुलाई करेंगे रिंगों की और पिस्टन की बढ़िया तरीके से, उसके बाद जो है इसको फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर। तो अब साफ वाले डीजल से जो है इसके पिस्टन को धो लेंगे बढ़िया तरीके से। इस
तरीके से जो जब भी पिस्टन को फिट करेंगे तो साफ वाले डीजल से जो ध्यान से धो लेंगे, ताकि रेता वगैरह जो है हमारे पिस्टन पर लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो पिस्टन जो है हमारा कम्प्लीटली धुल चुका है साफ वाले डीजल से। अब इसको जो है हम लोग फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर। तो पिस्टन फिट करने से पहले जो इसकी स्लिप में नए वाले मोबलेल को लगा लेंगे बढ़िया तरीके से। इस तरीके से जो साफ वाले मोबलेल को स्लिप के अंदर बढ़िया तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद जो है इसके पुलर के अंदर लगा लेंगे, जिससे जो हम लोग पिस्टन को बैठा लेंगे ब्लॉक के अंदर। ये दोस्तों हमारा रिंग बिठाने वाला जो है पुलर है, जिससे जो हम पिस्टन को ब्लॉक के अंदर बिठाते हैं। तो अब हम जो है इसकी कनेक्टर रॉड के अंदर जो है बिगिन पीस को लगा लेंगे नए वाले को। ये बिगिन पीस जो है हमारा लग चुका है कनेक्टर रॉड के अंदर। अब इसके रिंगों में भी नए वाले मोबलेल को लगा लेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद जो है आपको दिखाएंगे रिंगों को जो है किस तरीके से सेट करना है, कौन से रिंग को कहाँ पर रखना है हम लोगों को, उसको दिखाएंगे आपको। तो मोबलेल जो हमने लगा लिया है कंप्लीट ही। ये दोस्तों ऑयल वाली रिंग को जो है पंप वाली साइड में रखना है, ऑयल वाली रिंग को। और ये टॉप वाली रिंग को जो है इसकी पिस्टन पिन की सीध में रखना है। और ये कंप्रेसर वाली रिंग को जो है इसकी ये वाली साइड में रखना है। ये ध्यान से देख सकते हैं तीनों ही रिंगों को जो है इस तरीके से सेट करेंगे। उसके बाद जो इसके पिस्टन को पोलर की मदद से ब्लॉक के अंदर बिठा देंगे। दोस्तों पिस्टन जो है हमारा कम्प्लीटली बैठ चुका है ब्लॉक के अंदर। पिस्टन को जो है हमने लगा लिया है ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर जो है कम्प्लीटली लग चुका है हमारा पिस्टन। इसी तरीके से जो आप लोग भी लगा लेंगे पिस्टन को ब्लॉक के अंदर। उसके बाद जो इसकी नीचे वाली कनेक्टर रॉड वाली कैप को फिट करेंगे बिगिन पीस लगाने के बाद। ये रही दोस्तों हमारी कनेक्टर रॉड की कैप, और इसके अंदर जो है नए वाले बिगिन पीस को लगा लेंगे। उसके बाद कैप को फिट करेंगे कनेक्टर रॉड के अंदर। इस तरीके से जो इसके कैप के अंदर नए वाले बिगिन पीस को लगा लेंगे। और बिगिन पीस को बिठाने टाइम पे खांचे का ध्यान रखेंगे, खांचे में भी जो है बिगिन पीस को बिठाना है। उसके बाद इसकी कैप को लगा लेंगे इस तरीके से। और कैप को लगाने के बाद जो इसके कनेक्टर रॉड के दोनों बोल्टों को लगा लेंगे, 9 नंबर वालों को। दोनों ही बोल्टों को लगाने बाद 9 नंबर के पानी से जो है कंप्लीट टाइट कर देंगे इनको, दोनों ही बोल्टों को। ये एक बोल्ट जो है हमने लगा दिया है कनेक्टर रॉड के अंदर इसका। इसी तरीके से दूसरे वाले बोल्ट को लगा लेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा वाला कनेक्टर रॉड का बोल्ट, जिसको जो है हमने लगा लिया है दूसरे वाले बोल्ट को भी। अब इनको जो है 9 नंबर के पानी से कंप्लीट टाइट कर देंगे बढ़िया तरीके से। ये दोस्तों कनेक्टर रॉड के बोल्ट जो है हमारे कम्प्लीटली टाइट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। दोनों ही बोल्ट जो है हमारे कम्प्लीट टाइट हो गए हैं कनेक्टर रॉड वाले, दोनों ही बोल्टों को हमने बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया है। अब इसको जो है पिस्टन को टॉप पर कर देंगे दोनों बोल्ट खींचने के बाद। उसके बाद जो इसकी केम को फिट करेंगे ब्लॉक के अंदर। तो दोस्तों पिस्टन को जो है हमने टॉप पे कर लिया है। अब इसकी जो है पहले केम गाइडों को लगा लेंगे, दोनों ही केम गाइडों को लगा लेंगे ब्लॉक के अंदर। उसके बाद इसकी केम को लगाएंगे ब्लॉक के अंदर, और आपको दिखाएंगे इसकी टाइमिंग जो है किस तरीके से मिलानी है केम की। तो ये रही दोस्तों हमारी केम वाली केम गाइड है, इनको जो है लगा लेंगे ब्लॉक के अंदर मोबलर लगाने के बाद दोनों ही केम गाइडों को इस तरीके से। तो दोनों ही केम गाइडों को जो हमने लगा लिया है ब्लॉक के अंदर, अब इसकी केम को लगाएंगे ब्लॉक के अंदर। तो ये रही दोस्तों हमारी केम, इसको जो है लगा लेंगे ब्लॉक के अंदर और इसकी टाइमिंग ध्यान से मिला लेंगे इस तरीके से। जो इसकी टाइमिंग को मिला लेंगे, ये दो निशान जो क्रेंक पे देख रहे हैं आप लोग,
ये केम वाला निशान जो है इसके बीच में रखना है, और टाइमिंग जो है हमारी गाड़ी की बिल्कुल सही मिल जाएगी। जैसे कि जो हमने मिलाई है इसकी टाइमिंग, इसी तरीके से आप लोग भी मिला लेंगे इसकी टाइमिंग को। तो टाइमिंग भी जो है हमारी गाड़ी की मिल चुकी है। अब हम जो है इसके रबड़ रिंग लगाएंगे साइड प्लेट वाले दोनों। उसके बाद जो इसके पैकिंग को लगा के इसकी साइड प्लेट को लगा देंगे ब्लॉक के अंदर। ये दोस्तों दोनों रबड़ रिंग जो है हमने लगा दिए हैं ब्लॉक के अंदर। अब जो इसके पैकिंग पे ट्यूब लगा के इसके पैकिंग को लगाएंगे। ये रहा दोस्तों हमारा इंजन पैकिंग, जिस पे जो हम एनामोन ट्यूब को लगा रहे हैं अभी। ट्यूब को जो है बहुत ही हल्की हल्की सी लगानी है हम लोगों को पैकिंग के ऊपर, ज़्यादा नहीं लगानी है ट्यूब को। और हल्की हल्की सी ट्यूब लगाने बाद पैकिंग को लगा देंगे ब्लॉक के अंदर। उसके बाद इसकी साइड प्लेट को लगा के सभी बोल्टों को बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे प्लेट के। इस तरीके से जो इसके पैकिंग को ब्लॉक के अंदर लगाना है हम लोगों को। तो पैकिंग भी जो हमारा लग चुका है ब्लॉक के अंदर। अब इसके क्रैंक पे मोबलर लगाने बाद और कैम पे इसकी साइड प्लेट को फिट कर देंगे। इस तरीके से जो दोनों चीज़ों पे मोबलर लगाने बाद प्लेट को लगा देंगे। ये रही दोस्तों हमारी साइड वाली प्लेट, जिसको जो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब इसको जो हम सीधे ब्लॉक के अंदर फिट कर देंगे। इस तरीके से जो इसकी साइड प्लेट को लगा देंगे ब्लॉक के अंदर। ये दोस्तों साइड प्लेट जो हमारी प्यार के साथ जो है बैठ चुकी है। और इसी तरीके से आप लोगों को बिठा लिया है साइड प्लेट को हाथ से ही, कोई ठोका पीटी नहीं करनी है प्लेट के अंदर। कुछ लोग क्या होते हैं हथौड़ी से ठोकते हैं प्लेट नहीं बैठ रही है, या कोई भी औजार हुआ उससे ठोक रहे हैं प्लेट को। तो ठोका पीटी जो है हम लोगों को कतई नहीं करनी है। प्लेट जो है हमारी अगर सही है तो आराम से ही बैठ जाएगी हाथ से ही, जिस तरीके से आपको जो हमने बिठाल के दिखाई है हाथ से ही हमारी प्लेट बैठ चुकी है। इसी तरीके से आप लोग भी जो है इसकी साइड प्लेट को हाथ से ही बिठा लेंगे। तो हम जो है इसके सभी बोल्टों को लगा लेते हैं अभी साइड प्लेट वालों को, 12 नंबर वालों को, और लगा के 12 नंबर की गोटी से टाइट करेंगे बढ़िया तरीके से। ये दोस्तों सभी बोल्ट जो है हमारे साइड वाले प्लेट के लग चुके हैं, और इनको जो है हम लोग अभी 12 नंबर की गोटी से टाइट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। सभी बोल्टों को जो है बढ़िया तरीके से टाइट कर लेंगे। ये दोस्तों सभी बोल्ट जो है हमारे कम्प्लीटली टाइट हो चुके हैं साइड वाली प्लेट के। सभी बोल्टों को जो है हमने बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है। सारे ही बोल्टों को टाइट करने बाद जो है हम लोग चेक कर रहे हैं, सभी बोल्ट जो है हमारे बढ़िया तरीके से टाइट हो चुके हैं। सभी को जो है एक एक बार हम लोग जो है चेक कर रहे हैं अभी। तो सभी बोल्ट जो है हमारे चेक हो चुके हैं दोस्तों। सभी बोल्टों को हमने चेक कर लिया है टाइट करने बाद, सभी बोल्ट कम्प्लीटली टाइट हो चुके हैं। अब इंजन को जो है घुमा के चेक करेंगे हम लोग, इंजन हमारा फ्री है या नहीं है साइड प्लेट टाइट होने के बाद। इसको चेक करेंगे हम लोग घुमाने के बाद। इस तरीके से जो क्रैंक का नट लगाने बाद इंजन को घुमा के चेक कर लेंगे। तो इंजन जो है हमारा बिल्कुल फ्री है, ये देख सकते हैं एक हाथ से इंजन घूम रहा है हमारा। इंजन जो है हमारा बिल्कुल फ्री है। अब हम जो है इसके नट को खोल के साइड में रख देंगे और इसकी क्रैंक की सील को लगा लेंगे। ये रही दोस्तों हमारी क्रेन की सील, जिसका पार्ट नंबर है 3914-9919। क्रेन की सील को जब भी लगाएंगे तो इसका फेस जो है बढ़िया तरीके से साफ कर लेंगे। क्रेन की सील का हमने जो है साफ कर लिया है फेस इसका, आप लोग भी साफ कर लेंगे। और सील पे जो है हल्की हल्की एनामोंड लगा लेंगे। उसके बाद जो है सील को लगाएंगे इस तरीके से, जो है ट्यूब लगाने बाद इसकी सील को बिठाल देंगे। और सील को जो है दोनों तरीके से जो है एक सारी बिठा लेंगे और हाथ से ही बिठा लेंगे सील को इसकी, कोई ठोका पीटी नहीं करेंगे सील के ऊपर। तो सील भी जो हमारी कंप्लीट बैठ चुकी है प्लेट के अंदर। सील को भी हमने लगा दिया है साइड प्लेट के अंदर और सील जो हमारी लग चुकी है। अब हम जो है इसके जाली वाले बोल्ट को लगाएंगे मोवलेल वाले को। आ रहे हो बस कटिंग में लगा दो।
इस तरीके से जो है डार्कनेट को साफ करने के बाद लगा लेंगे साइड प्लेट के अंदर, और इसको जो है टाइट कर देंगे 17 नंबर के पानी से बढ़िया तरीके से। तो डार्कनेट जो है हमारा कंप्लीट लग चुका है, इसको टाइट कर देंगे अब 17 नंबर के पानी से बढ़िया करके। इस तरीके से जो 17 नंबर के पानी से डार्कनेट को टाइट कर लेंगे कंप्लीट ही बढ़िया तरीके से। तो डार्कनेट जो है हमारा कंप्लीट टाइट हो चुका है, डार्कनेट को भी जो हमने कंप्लीट टाइट कर दिया है बढ़िया तरीके से। दोस्तों डार्कनेट जो है हमारे कंप्लीट ही दोनों टाइट हो चुके हैं। अब हम जो है इसकी दूसरी वाली क्रैंक सील को बिठा लेंगे, ये मैग्नेट वाली साइड सील को लगा लेंगे। इसकी साफ करने के बाद बढ़िया तरीके से इसकी जो है सील वाली जगह को बढ़िया तरीके से साफ कर लेंगे, ताकि सील जो है हमारी लीकेज नहीं हो जाए बाद में। इसलिए फेस को इसके सील के बढ़िया करके साफ करेंगे, उसके बाद ही जो है सील को लगाएंगे इंजन के अंदर। तो दोस्तों सील का फेस जो है हमारा बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है, अब हम जो है इसके अंदर सील को लगाएंगे। ये रही दोस्तों हमारी सील नई वाली, इस पे सीट पे जो इसकी हल्की हल्की एनामोन ट्यूब को लगा लेंगे, उसके बाद ही लगाएंगे उसके अंदर इंजन के। ट्यूब लगाने के बाद जो है इस तरीके से दोनों साइड से जो है अंगूठे की मदद से हाथ के एक सार सील को बिठा लेंगे। सील पे जो है कोई भी ठोका पीटी नहीं करनी है हम लोगों को। तो दोस्तों सील जो है हमारी कंप्लीट ही बैठ चुकी है, मैग्नेट वाली सील को हमने कंप्लीट ही बिठा लिया है। अब हम जो है इसकी चार्जिंग वाली कॉइल को लगाएंगे इंजन के अंदर। ये रही दोस्तों हमारी चार्जिंग वाली कॉइल, इसके तारों को चेक कर लेंगे, इसके तार जो है बेकार हो रहे हैं। तो अभी हम जो है इसके दोनों तारों को चेंज करेंगे इंजन से, इनको तारों को पुराने वालों को इनको काट देंगे बेकार वालों को प्लास से, उसके बाद जो है इसमें दूसरे बढ़िया वाले तारों को लगाएंगे। इस तरीके से इसके दोनों तार जो है हमने काट दिए हैं, अब इसमें जो है हम दूसरे वाले तारों को ज्वाइंट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, और टेप लगा देंगे दोनों ही तारों पे। दोस्तों हम लोग जो है अभी इसकी कॉइल के अंदर जो है नए वाले तारों को लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं। इसके पुराने वाले तारों को जो हमने काट के फेंक दिया है, अब इसके अंदर जो है हम नए वाले तारों को ज्वाइंट कर रहे हैं, और ज्वाइंट करने के बाद जो है दोनों तारों पे काइये से टांका मार लेंगे बढ़िया तरीके से। ये काइये रखा है हमारा, जिससे जो हम लोग नए वाले तारों को इसमें ज्वाइंट करने वाले हैं कोयल के अंदर। तो हम लोग जो है इसके दोनों तारों को जो है कोयल के अंदर जो है बढ़िया तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। तार पे जो है हम लोग अभी शोल्डर को लगा रहे हैं बढ़िया तरीके से, उसके बाद जो है हम इसके कोयल के अंदर ज्वाइंट करेंगे इसको तार को। ये दोस्तों तार पे जो है शोल्डर हमारा लग चुका है बढ़िया तरीके से, पूरे ही तार पे हमने शोल्डर बढ़िया तरीके से लगा लिया है। अब हम इसको जो है कोयल के अंदर ज्वाइंट करेंगे। इसकी इंजन की जो है कोयल भी लग चुकी है इंजन के अंदर, और ये क्लच हाउसिंग भी लगा लिया है हमने इंजन के अंदर। दोनों ही चीज़ों को लगाने के बाद जो है हमने इंजन के अंदर टाइट कर दिया है कम्प्लीट ही। कोयल भी हमारी लग चुकी है इंजन के अंदर, और क्लच हाउसिंग भी लग चुका है। अब हम लोग जो है इसका क्लच पत्थर लगाएंगे। ये क्लच व्हील को जो है अब हम लगा लेंगे इंजन के अंदर इस तरीके से। ये क्लच व्हील जो है हमारा लग चुका है इंजन के अंदर। अब इसके ये दोस्तों क्लच व्हील का नट जो है हमने लगा दिया है लॉक बार से लगाने के बाद कंप्लीट ही। अब हम जो है इसकी चार्जिंग वाले फ्राई व्हील को लगाएंगे। अब इसके जो है चार्जिंग वाले फ्राई व्हील को लगा लेंगे इस तरीके से। ये चार्जिंग वाला फ्राई व्हील भी जो है हमारा लग चुका है कंप्लीट ही इंजन के अंदर। अब इसके भी नट को लगा लेंगे क्रैंक वाले को, और दोनों नट और टाइट करेंगे फिर कंप्लीट ही। ये दोस्तों दोनों साइड वाले व्हील जो है हमने कंप्लीट ही टाइट कर लिए हैं इंजन के। दोनों व्हीलों को जो है हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट टाइट कर दिया है इंजन के अंदर। अब हम लोग जो है इसकी क्लच प्लेटों को फिट करेंगे इंजन के अंदर। हम लोग जो है इसकी क्लच प्लेटों को लगा लेंगे अब,
और क्लच प्लेटों लगाने के बाद मेन सापट को लगा लेंगे सेंटर मिलाने के लिए क्लच प्लेटों का। इस तरीके से जो है मेन सापट को लगा लेंगे क्लच प्लेट का सेंटर मिलाने के लिए। उसके बाद सभी बोल्टों को लगा देंगे इसकी क्लच प्लेट के। तो दोस्तों क्लच प्लेट के सभी बोल्ट जो है हमने लगा लिए हैं क्लच प्लेटों के अंदर। अब इनको जो है हम लोग टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों क्लच प्लेट के बोर्ड जो है सभी कंप्लीट टाइट हो चुके हैं हम लोगों के। क्लच प्लेटों को जो है हमने बोल्टों को सभी को टाइट कर लिया है बड़ी तरीके से। और क्लच प्लेटें जो हमारी टाइट हो चुकी हैं इंजन के अंदर कंप्लीट ही। तो इंजन जो है हमारा नीचे से तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है इसके हेड का काम करेंगे, इसके हेड को फिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है अब इसका हेड कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसके हेड को इंजन के अंदर फिट करेंगे हम लोग। ये दोनों बाल जो है हमने नए लगा लिए हैं हेड के अंदर। ये दोस्तों बाल स्प्रिंग भी दोनों हमने लगा दिए हैं। अब इसकी कार्टरों को लगा के इसके अंदर बालों के अंदर फंसा लेंगे दोनों को। ये दोस्तों एक बाल की जो कार्टर हमारी कंप्लीट ही बैठ चुकी है। इसी तरीके से दूसरे वाले बाल की भी बिठा लेंगे दोनों कार्टरों को। ये दोस्तों दूसरे वाले बाल की भी कंप्लीट बैठ गई हैं हमारी कार्टरें और हेड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है इसको इंजन में लगाते हैं चल के। इसके गैस प्लेट पे जो है मोबलर लगा लेंगे हेड को लगाने से पहले बढ़िया करके। इसके नए वाले हेड गैस प्लेट पे मोबलर लगा के तभी लगाएंगे इसके गैस प्लेट को। बाकी ट्यूब वगैरह का जो है उपयोग नहीं करना है हम लोगों को गैसकेट के ऊपर। मोबलाइल ही लगा लेंगे दोनों साइड में गैसकेट की। इस तरीके से जो है दोनों साइड हेड के गैसकेट पे मोबलाइल लगा लेंगे और उसके बाद जो है गैसकेट को लगा देंगे। इस तरीके से गैसकेट को लगा देंगे ब्लॉक के अंदर। इस तरीके से ही लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं ये मोबलाइल वाली नाली को जो है इस साइड में कर देते हैं हेड गैसकेट की। एक दो इंजन जब हम लोगों ने खोले तो गैसकेट उसमें उल्टा निकला लगा हुआ, इसलिए ये मोबलाइल वाली नाली जो है इसी साइड में रखनी है और इस तरीके से हेड गैसकेट को लगा लेना है। उसके बाद इसके हेड को रख देंगे इसके ऊपर और चारों ही बोल्टों को टाइट करेंगे इसके बाद हम लोग 17 नंबर वालों को बढ़िया तरीके से। ये दोस्तों हेड भी जो है हमने रख दिया है ब्लॉक के ऊपर। अब इसके चारों बोल्टों को लगा लेंगे ये 17 नंबर वालों को और चारों बोल्टों को लगा के जो बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट करना है हम लोगों को। अगर कोई भी बोल्ट हमारा हेड का ढीला रह जाता है तो हेड गैसकेट जो है हमारा तुरंत ही फट जाएगा, इसलिए चारों ही बोल्टों को बहुत बढ़िया करके टाइट करेंगे। बोल्टों में जो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे टाइट करने में। ये दोस्तों चारों ही बोल्ट जो है हमारे कंप्लीट चिपक चुके हैं। अब इनको जो है कंप्लीट टाइट कर लेंगे बढ़िया तरीके से हम लोग। तो दोस्तों हेड के बोल्ट जो है हमने कंप्लीट ही टाइट कर दिए हैं बढ़िया तरीके से। चारों ही बोल्टों हमने कंप्लीट टाइट कर दिया है हेड के। अब हम लोग जो है इसके रेडिएटर को लगा लेंगे मोबलाइल वाले को। दोस्तों रेडिएटर जो था हमारे लड़के ने चेले ने धोया नहीं था इसके साथ में, तो रेडिएटर जो है अभी धो रहा है। जब तक जो है हम इसकी डेविड वाली चिड़ियों को लगा लेंगे। तो दोस्तों डेविड वाली पुसरोटें जो हैं हमने लगा ली हैं इंजन के अंदर। अब हम लोग जो है इसकी चिड़ियों को लगा के इसके 12 नंबर वाले बोल्ट को टाइट कर देंगे कम्प्लीट ही। उसके बाद जो इसके डेविडों को मिलाएंगे। दोस्तों चिड़ियाँ लगाने से पहले जो है इसकी दोनों चिड़ियों को मोबलाइल ध्यान से लगा लेंगे और चिड़ियों को चेक कर लेंगे फ्री हैं दोनों चिड़ियाँ हमारी या नहीं हैं। चिड़ियों को ध्यान से चेक करेंगे। चिड़ियाँ जो हमारी टेबिड वाली बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए वरना जो है हमारी चिड़ियाँ जो पकड़ कर जाएंगी, इसलिए चिड़ियों को लगाने से पहले चेक कर लेंगे उसके बाद ही लगाएंगे हेड के अंदर। तो अब हम लोग जो है इसकी चिड़ियों को लगा लेंगे इस तरीके से।
दोनों ही चिड़ियों को लगाने से पहले जो है इसकी पुसरोटों का ध्यान रखेंगे। दोनों टैबिड स्क्रू जो है चिड़ियों वाले चिड़ियों में ही फंसने चाहिए हमारे, कहीं बाजी चांस हेड में हो जाता है पर हम लोग बोल्ट खींच देते हैं तो पुसरोट जो है हमारी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए दोनों को जो है ध्यान से चिड़ियों के अंदर इस तरीके से बिठा लेंगे टैबिड स्क्रू को, उसके बाद ही ये 12 नंबर वाला नट लगाएंगे और लगा के टाइट कर देंगे कंप्लीट। ये रहा हमारा 12 नंबर वाला टैबिड चिड़ियों का बोल्ट जिसको जो है हमने लगा दिया है। अब इसको जो है हम लोग टाइट कर देंगे 12 नंबर की बोटी से बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों बोर्ड जो है हमारा कम्प्लीटली टाइट हो चुका है टैबिट चिड़ियों वाला। अब हम लोग जो है इसके टैबिटों को सेट कर लेंगे इस तरीके से, जो इसके टैबिटों को सेट कर लेंगे ध्यान से, और टैबिटों को जो है बहुत ही ध्यान से सेट करेंगे गाड़ी के, क्योंकि इंजन के जो है मेन चीज टैबिट ही होते हैं इंजन के अंदर। इनको जो है बहुत ध्यान से सेट करेंगे। टैबिट जो है हमारा कोई भी टाइट नहीं होना चाहिए और कोई भी ढीला नहीं होना चाहिए। ये वाला टैबिट जो है अभी हमारा ढीला है, इसको सेट कर लेंगे। दोस्तों एक टैबिट जो हमारा सेट हो चुका है बढ़िया तरीके से, और टाइट करने के बाद एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, टैबिट की जो है ये पुसरोट को घुमा के ध्यान से चेक कर लेंगे। टैबिट टाइट होने के बाद जो हमारी पुसरोट ढीली होनी चाहिए, फ्री घूमनी चाहिए। अगर टाइट होती है तो इसका मतलब टैबिट जो है हमारा टाइट है गाड़ी का, इसलिए पुसरोट को ध्यान से चेक करेंगे टैबिट को सेट करने के बाद। तो दोस्तों टैबिट जो है हमारे कम्प्लीट ही दोनों सेट हो चुके हैं, दोनों टैबिटों को हमने बढ़िया तरीके से सेट कर दिया है गाड़ी के, तो टैबिट भी हमारे कम्प्लीट सेट हो चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है इसके हीटर को लगा लेंगे, और हीटर को जो है लगाने बाद बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे। और ये हीटर जो लगाया है हमने ये ओरिजिनल है बॉस कंपनी का, और इसका पुराना वाला ये रहा हीटर। इसका पुराना हीटर जो है फट चुका था, ये पुराना वाला हीटर है, इसमें जो हमने सेकेंड हैंड हीटर को बॉस के ओरिजिनल हीटर को लगाया है और लगा के टाइट कर दिया है कंप्लीट ही। तो अब हम लोग जो है इसके टैबिट कवर को कंप्लीट करेंगे, इसके टैबिट पत्ते को चेंज करेंगे और इसकी डी को चेंज करेंगे हम लोग। टैबिट पत्ता चेंज करने के बाद दोनों ही चीज़ों को नया फिट करेंगे हम लोग टैबिट कवर के अंदर। ये दोस्तों पुराना वाला टैबिट पत्ता है जिसको जो है हमने फेंक दिया है निकाल के, और इसके अंदर जो है सफाई कर लेंगे बढ़िया करके, उसके बाद नए वाले टैबिट पत्ते को फिट करेंगे इसके अंदर। जब भी आप लोग भी इंजन को फिट करेंगे तो आप लोग भी जो है इसके टैबिट पत्ते को चेंज कर लेंगे ध्यान से। ऐसा होता है धुलाई वगैरह जब करते हैं इसकी तो टैबिट पत्ता जो हमारा दब जाता है, उसके बाद जो है इसके वापसी वाले पैप में मोबला लाने लगता है, इसलिए टैबिट पत्ते को जो है हर बार इंजन के अंदर नया ही फिट करेंगे। जब भी नया इंजन करेंगे गाड़ी का तो नए टैबिट पत्ते को लगाएंगे इसके अंदर। तो ये रहा दोस्तों हमारा नया वाला टैबिट पत्ता जिसको जो है हम टैबिट कवर के अंदर फिट करेंगे। इसका पार्ट नंबर देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इसका पार्ट नंबर है BA 10 20 43, और इसकी MRP एक पीस की है 19 रुपये। इसको जो है हम फिट कर देते हैं टैबिट कवर के अंदर, इस तरीके से जो है टैबिट कवर के अंदर लगा लेंगे इसके नए वाले टैबिट पत्ते को, और लगाने के बाद जो है दोनों पेज कंप्लीट टाइट कर देंगे इस तरीके से, जो है चार मुंह के पेज कट से दोनों ही पेजों को लगा के टैबिट पत्ते के अंदर।
और कंप्लीट टाइट करेंगे इनको बढ़िया तरीके से। दोनों पेचों को जो है बहुत ही बढ़िया करके टाइट करेंगे। कोई भी पेच अगर ढीला रह गया हमारा तो इंजन के अंदर गिर जाएगा ये टैबिट कवर के अंदर, और फिर बाद में जो है दिक्कत कर सकता है। इसलिए जो है दोनों पेचों को बढ़िया करके ध्यान से टाइट करेंगे। तो टैबिट पत्ता जो है हमारा कंप्लीट टाइट हो चुका है। अब हम लोग जो है इसकी डी को चेंज करेंगे। डी को चेंज करने के लिए जो है इसके ये मोबाइल वाले ढक्कन को खोल लेंगे, उसके बाद जो है ये डी वाले स्क्रू को खोल लेंगे, बाहर निकाल देंगे इसको। ये टैबिट स्क्रू निकालने के बाद जो है डी वाला, इसको बाहर निकालने के बाद उसके बाद इसके लॉक को निकालेंगे डी वाले को, और उसके बाद जो है हमारी डी जो है बाहर आ जाएगी पुरानी वाली। उसके बाद जो है हम इसमें नई डी को फिट कर देंगे टैबिट कवर के अंदर। तो टैबिट वाला जो है डी वाला स्क्रू खुल चुका है, और लॉक भी जो है हमने पहले ही निकाल दिया था डी का इसका, और डी को जो है हमने पुरानी वाली को बाहर फेंक दिया निकाल के। अब इसकी डी सील को निकाल लेंगे, इसको भी फेंक देंगे, और इसकी फिर अच्छी तरीके से सफाई कर लेंगे कपड़े से बहुत ही बढ़िया करके। उसके बाद ही जो है नई सील को और नई डी को फिट करेंगे इसके अंदर। तो हम लोगों ने जो है इसकी बढ़िया तरीके से सफाई कर ली है, अब इसकी डी को फिट करेंगे हम लोग। उससे पहले जो है इसकी पिन को निकाल लेंगे पुरानी वाली को, ये वाली को, उसके बाद जो है नई पिन को फिट करेंगे इसके अंदर, ताकि डी का स्प्रिंग जो है हमारा लग जाए डी के अंदर। तो ये रहा दोस्तों हमारा नया वाला डी सेट, जिसको जो है हम टैबलेट कवर के अंदर फिट करने वाले हैं। इसका डी सेट का पार्ट नंबर है 36AL302 का पार्ट नंबर है, और इसकी MRP है 750। इसको जो है हम लोग फिट कर लेते हैं टैबलेट कवर के अंदर। पहले जो है डी की सील को लगा लेंगे नई वाली को टैबलेट कवर के अंदर। तो डी की सील जो है हमारी कम्प्लीटली बैठ चुकी है टैबलेट कवर के अंदर दोस्तों। अब इसकी डी को लगाएंगे, पहले स्प्रिंग को लगा लेंगे डी के अंदर इस तरीके से, नए वाले स्प्रिंग को ध्यान से लगा लेंगे डी के अंदर। तो डी के अंदर स्प्रिंग लग चुका है, हम लोग जो है इसके टैबलेट कवर के अंदर फिट करते हैं इसकी डी को। तो इस तरीके से जो इसकी डी को लगा लेंगे टैबलेट कवर के अंदर, इस तरीके से स्प्रिंग को भी फंसा लेंगे, और उसके बाद जो है डी को कंप्लीट बिठा देंगे टैबलेट कवर के अंदर। तो डी जो है हमारी कंप्लीट ही लग चुकी है टैबलेट कवर के अंदर। अब हम लोग जो है इसके डी वाले स्क्रू को टाइट करेंगे और इसके डी वाले लॉक को लगाएंगे। डी वाले स्क्रू को लगाने के बाद इसके डी वाले लॉक को लगाएंगे उसके बाद। तो दोस्तों डी वाले लॉक को जो है हमने लगा दिया है, उसके बाद जो है हम लोग इसके टैबलेट वाले स्क्रू को टाइट कर रहे हैं डी के अंदर। इसको कम्प्लीटली टाइट कर देंगे पेचकस से, उसके बाद 8 नंबर की गोटी से लॉक कर देंगे इसको। ये दोस्तों स्क्रू जो हमारा टाइट हो चुका है, अब इसको लॉक कर देंगे 8 नंबर की गोटी और टी से, ताकि नट जो हमारा खुले नहीं स्क्रू वाला। इस तरीके से जो है 8 नंबर की कोटी से बढ़िया करके लॉक कर देंगे इसको। तो हमने जो है लॉक कर दिया है इसको, अब इसके मोबाइल वाले ढक्कन को लगा देंगे और टाइट कर देंगे लगाने के बाद। तो दोस्तों टैबलेट कवर का ढक्कन भी जो हमने मोबाइल वाला लगा के टाइट कर दिया है कंप्लीट टैबलेट कवर के अंदर। तो टैबलेट कवर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको जो अभी हम साइड में रख देंगे टैबलेट कवर को। तो अब हम लोग जो है इसके टैबलेट पैकिंग पे एनामोन ट्यूब लगाने के बाद जो है इसके टैबलेट कवर को लगा देंगे हेड के अंदर, और लगाने के बाद जो है कंप्लीट टाइट कर देंगे इसके तीनों ही बोल्टों को टैबलेट कवर के बढ़िया तरीके से। तो हमने जो है एनामोन लगा ली है पैकिंग के ऊपर कंप्लीट ही। अब इसके पैकिंग को लगा देते हैं इस तरीके से। पैकिंग को लगाने के बाद इसके टैबलेट कवर को लगा देंगे, और टैबलेट कवर लगाने से पहले जो इसकी चिड़ियों पर मोबाइल लगा लेंगे। तो दोस्तों चिड़ियों पर मोबाइल जो हमने सब जगह बढ़िया करके लगा दिया है, अब इसके टैबलेट कवर को लगा देते हैं हेड के अंदर, और लगा के इसके तीनों ही बोल्टों टाइट कर देते हैं कंप्लीट ही। ये टैबलेट कवर भी जो है हमारा लग चुका है हेड के अंदर, अब इसके तीनों बोल्टों को लगाएंगे हम लोग और लगा के टाइट करेंगे इनको कंप्लीट ही। तो दोस्तों टैबलेट कवर वाले जो है हमने तीनों ही बोल्ट लगा दिए हैं 12 नंबर वाले, अब इसको जो है 12 नंबर की गोटी से कंप्लीट टाइट कर देंगे हम लोग।
दोस्तों, टाइटेड कवर वाले तीनों ही बोल्ट जो हमारे कंप्लीट टाइट हो चुके हैं। तीनों ही बोल्टों को हमने टाइट कर दिया है कंप्लीट। तो दोस्तों, अब हम जो है इंजन के अंदर जो है इसके सेल्फ को लगा लेंगे। तो सेल्फ लगाने बाद जो है इसके दोनों ही बोल्ट लगाएंगे 12 नंबर वाले, और लगाने बाद जो है कंप्लीट टाइट कर देंगे सेल्फ वाले दोनों ही नट। तो सेल्फ जो है हमने लगा दिया है इंजन के अंदर। अब इसके दोनों नटों को लगा के और कंप्लीट टाइट कर देंगे बढ़िया तरीके से। सेल्फ के नटों को जो है ध्यान से टाइट करना है और बहुत अच्छी तरीके से टाइट करना है। सेल्फ का नट हमारा जो है अगर एक भी दोनों में से ढीला रह गया तो सेल्फ जो हमारा खुल के गिर सकता है गाड़ी के अंदर से, इसलिए जो है, और कड़ा भी ख़राब हो सकता है हमारी गाड़ी का, इसलिए दोनों नटों को जो है ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। अगर हमारा कोई नट बाई चांस स्लिप होता है तो उसको जो है चेंज करेंगे नटों को, दोनों को ही बढ़िया तरीके से टाइट करेंगे ताकि सेल्फ जो है हमारा खुल के गिर ना जाए गाड़ी में से। तो हम लोग जो है अभी टाइट कर लेते हैं दोनों नटों को इसके सेल्फ के। ये ऊपर वाला नट जो है हमने लगा दिया है इंजन के अंदर। अब इसके नीचे वाले नट को भी लगा लीजिए इसी तरीके से। ये दोस्तों नीचे वाला नट भी जो है हम नया लगा रहे हैं सेल्फ के अंदर बार सेल लगाने के बाद, और ऊपर वाला नट भी जो हमने नया लगाया है सेल्फ के अंदर। दोनों ही नटों को जो है हमने नया फिट किया है सेल्फ के अंदर और दोनों को ही अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। इस तरीके से जो है दोनों ही नटों को बहुत बढ़िया करके टाइट करेंगे सेल्फ पे। तो नीचे वाला नट भी जो है हमारा टाइट हो चुका है कंप्लीट ही, और ऊपर वाले नट को भी बढ़िया करके टाइट कर लेंगे नीचे वाला नट टाइट करने के बाद। तो हमारा ऊपर वाला नट भी कंप्लीट टाइट हो चुका है सेल्फ का, और सेल्फ भी जो हमारा इंजन के अंदर कंप्लीट फिट हो चुका है। सेल्फ को भी हमने कम्प्लीट ही लगा दिया है इंजन के अंदर। अब हम जो है इंजन के अंदर इसकी फिल्टर असम्बली को लगाएंगे, और फिल्टर असम्बली को लगाने बाद इसके दोनों बोर्ड लगा लेंगे ये 12 नंबर वाले। ये बोर्ड 12 नंबर वाले जो हमने फिल्टर असम्बली के लगा दिए हैं। अब इसके बेंजो बोर्ड टाइट करेंगे, और बेंजो बोर्ड टाइट करेंगे तो इसकी बेंजो वाली बार सले जो है ध्यान से नई लगा लेंगे अगर बेकार होंगी तो, अगर सही है तो इनका फेस सही कर लेंगे पुरानी वाली वार्सलों का, ताकि मोबाइल जो हमारा पैप की जगह से लीकेज ना हो। हमने जो है ये दो वाली वार्सलों को नया लगाया है, दो वार्सलों को पैप के अंदर हमारी बेकार हो रही थी, तो दो बेंजो वार्सल जो हमने नई लगाई हैं इसके अंदर, और दो को जो है फेस सही कर लिया है दो वार्सल का। तो इनको लगाने के बाद जो है 19 नंबर के पानी से दोनों पैपों को बहुत बढ़िया करके टाइट करेंगे। ये दोस्तों फिल्टर असम्बली के 12 नंबर वाले बोर्ड जो है हमने टाइट कर दिए हैं कंप्लीट ही इसके। अब हम जो है इसके बेंजो बोर्ड टाइट करेंगे दोस्तों 19 नंबर वाले। इस तरीके से जो है 19 नंबर के पाने से दोनों बेंजो बोर्ड को बहुत बढ़िया करके टाइट कर लेंगे। तो एक बोर्ड जो है हमारा टाइट हो चुका है कंप्लीट। अब हम जो है इसके दूसरे वाले बेंजो बोर्ड को टाइट करेंगे उसके बाद। ये दूसरे वाले बेंजो बोर्ड को टाइट कर लेंगे इसी तरीके से 19 नंबर के पाने से बढ़िया करके। तो दोस्तों दूसरा वाला बोर्ड भी जो हमारा बेंजो कंप्लीट टाइट हो चुका है। दोनों ही बोर्ड जो है हमारे बहुत बढ़िया करके टाइट हो चुके हैं, और फिल्टर असम्बली जो है हमारी टाइट हो चुकी है इंजन के अंदर। तो दोस्तों अब हम जो है इसमें इंजन के अंदर रेडिएटर को फिट करेंगे, और रेडिएटर को जो है नया लगाएंगे इंजन के अंदर। ये रहा हमारा वाला रेडिएटर नया वाला, जिसकी MRP है BA 10 20 88, और इसकी MRP है 1189 रुपये। इसको जो है नया फिट करेंगे हम इंजन के अंदर रेडिएटर को, और इसकी एल्बो को भी जो है नया फिट करेंगे हम। तो दोस्तों इसके पुराने वाले रेडिएटर में से पैप निकाल के जो है नए वाले रेडिएटर के अंदर पहले लगा लेंगे, उसके बाद ही जो है इंजन के अंदर लगाएंगे हम नए वाले रेडिएटर को। तो हमने जो है ये बड़ा वाला पैप जो है निकाल लिया है, और छोटे वाले पैप को जो है हम नया फिट करेंगे रेडिएटर के अंदर। इसके क्लिप को निकाल लेंगे छोटे वाले पैप के। ये रही दोस्तों हमारी एल्वो हेड की, जिसका पार्ट नंबर है BA 10 22 44, और ये रहा छोटा वाला पैप दोस्तों हमारा रेडिएटर वाला, जिसकी पार्ट नंबर है BA 10 22 35, और ये रहा हमारा नया वाला रेडिएटर।
नई वाली एल्बो को जब भी फिट करेंगे हेड के अंदर, तो इसको जो है सब जगह से हल्का हल्का पंच कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है इस पर आरा रेड लगा के उसके बाद ही जो है लगाएंगे हेड के अंदर। ये दोस्तों नया वाला रेडिएटर जो है हमारा बाहर आ चुका है डब्बे के अंदर से। अब इसमें जो हम लोग पैप लगाने के बाद इसको फिट करेंगे इंजन के अंदर। तो एल्बो को जब भी लगाएंगे तो इस तरीके से जो है आरा रेड लगा लेंगे उस पर सब तरफ। उसके बाद जो है हेड के अंदर ठोक देंगे इसको हथौड़ी से। इस तरीके से जो है आरा रेड लगाने के बाद ये एल्बो को ठोक देंगे कंप्लीट ही। तो एल्बो जो है हमारी ठुक चुकी है हेड के अंदर। अब हम जो है इसके पैप के सभी क्लिप चढ़ा देंगे। उसके बाद जो है रेडिएटर के नट खींच देंगे तीनों बढ़िया करके। तो दोस्तों बोल्ट जो है हमने लगा दिए हैं दोनों ही। अब इनको जो है टाइट कर रहे हैं हम लोग और अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे दोनों ही बोल्टों को। तो दोस्तों बोल्ट जो है हमारे कंप्लीट टाइट हो चुके हैं दोनों ही। दोनों बोल्टों को हमने बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया है तो रेडिएटर का काम जो हमारा ख़त्म होता है। अब इंजन के अंदर जो है कवर वगैरह रह गए हैं साइड वाले लगने के लिए और नोजल पंप रह गया है। बाकी इंजन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है आपको सीधे स्टार्ट करके दिखाएंगे इंजन को गाड़ी के अंदर। तो इंजन जो है हमारा कंप्लीट ही फिट हो चुका है। इसको जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। डीजल जो है चढ़ चुका है हमारा पंप के अंदर। अब इसका इंजेक्टर पैप को टाइट कर देंगे कंप्लीट ही नीचे से। 4x4 करें बोझ वाला टना कर देंगे। तो दोस्तों नीचे से इंजेक्टर टाइट हो चुका है। अब हम लोग जो है इसके ऊपर डीजल को चढ़ाएंगे नोजल के कने। तो दोस्तों डीजल जो है हमारा ऊपर भी आ चुका है नोजल के पास में। अब हम जो है ऊपर से भी इसको टाइट कर देंगे इंजेक्टर को इसके। उसके बाद जो है इंजन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों हम लोग जो है इंजन को स्टार्ट करके चेक करते हैं। दोस्तों इंजन जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इंजन को जो है हमने स्टार्ट करके चेक कर लिया है। अब हम लोग जो है इसको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे। उसके बाद जो आपको गाड़ी स्टार्ट